होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो थंबनेल से आप जान ही चुके होंगे इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आर यू ऑल रेडी टू लर्न न्यू वोकैब? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सीखते हैं आज का फर्स्ट पर्सनैलिटी वोकैब। इस पर्सनैलिटी की हाइलाइटिंग कैरेक्टर है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लाइक अ बायोकेमिस्ट स्टडिंग अ कलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप, दे ऑल्सो माइन्यूटली एग्जामिन देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स, देयर एक्शन। जैसे एक बायोकेमिस्ट माइक्रोस्कोप के अंडर बैक्टीरिया का अध्ययन करता है, उसी तरह ये लोग भी अपने हर एक थॉट, फीलिंग, एक्शन को माइन्यूटली जांच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। दे ऑलवेज एंगेज देमसेल्फ इन फ्यूटाइल क्वेश्चन, हर दम वो अपने को निरर्थक क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हाउ डू आई लुक? मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। वॉट डू अदर पीपल्स थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं? ऐसे टाइप के क्वेश्चन से इन लोगों ने अपने दिमाग को उलझा रखा है। बट दे आर अनेबल टू रियलाइज दैट नोबडी स्पेंड एज मच एज टाइम दे स्पेंड ऑन एनालाइजिंग देमसेल्फ। किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं किसी को इतना ऑब्जर्व करेगा। ये लोग बस यही अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, यार मेरे बारे में वो लोग क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसको ऐसे क्वेश्चन करके इन्होंने अपना दिमाग उलझा रखा है। इन टाइप के लोग थोड़ा सा मिलने जुलने में प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़े से अनसोशल और कॉपरेशन वाले कामों में ये थोड़ा सा पीछे होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से कॉपरेट नहीं कर पाएंगे, मिलजुल नहीं पाते, थोड़ा सा अनसोशल होते हैं। इन टाइप के लोगों को आप बोलेंगे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, आई हैव मेड अ सेंटेंस आउट ऑफ दिस वर्ड। टेलिंग एन इंट्रोवर्ट टू गो टू अ पार्टी इज लाइक टेलिंग अ सेंट टू गो टू अ हेल। होप आपको ये दो पर्सनैलिटी वोकैब अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं बहुत ही जल्द पर्सनैलिटी वोकैब पार्ट 3 को लेके आऊँगी, जिससे आप और भी बेहतरीन तरीके से और भी जो पर्सनैलिटी बाकी है उसे जान पाएंगे। आपके इन दोनों में पर्सनैलिटी में से कौन सा पर्सनैलिटी आप बेयर करते हैं प्लीज़ कमेंट बी बिलो। थैंक यू।